जेवर के करीबी गांव ख्वाजपुर में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद गांव की पोखर लबालब भर जाने से पानी लोगों के घरों में भरने की नौबत आ गई है। गली में पानी भर जाने से आवागमन में परेशानी हो रही है। लोग खुद ट्रैक्टर और पंप लगाकर पानी घरों से बाहर निकाल रहे हैं। आलम यह है कि लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण कराएं। ये देखो हमारे गांव ख्वाजपुर का हाल, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंडर आता है। बारिश का पानी देखो घरों में अंदर तक भर गया है। तालाब के पानी का कोई निकास नहीं है। गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी घरों में अंदर तक भरने से यहाँ लोगों के खाने पीने की सामग्री भी खराब हो गई है। लोग अपने खर्चे से ट्रैक्टर से पानी निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं देखो, पर प्राधिकरण का तालाब के पानी का निकास का स्थायी समाधान करने का कोई ध्यान ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूँ आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। दरअसल गांव ख्वाजपुर अब जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू होने के बाद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आ रहा है, जिस कारण गांव में अब प्रधान नहीं है। अब यह जिम्मेदारी यमुना अथॉरिटी की बनती है कि वह ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण कराए और उनकी समस्याओं का समाधान करे। अतः जेवर प्रेस के माध्यम से ख्वाजपुर निवासियों का कहना है कि जल भराव के कारण पैदा हो रही इस गंभीर समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण कराया जाए। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।